कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। 12 जून तक भारत कोरोना मामलों में चौथे नंबर पर आ गया था। इस समय हर रोज लगभग 10,000 लोग भारत में कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला देश बन जाएगा। पर सरकार द्वारा तमाम फैसलों और लंबे लॉकडाउन के बाद भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शुरू में भारत को दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी सफलता मिली थी, जहां इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होने के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया था। भारत ने यह कदम शुरू के दिनों में ही उठा लिया था, पर लॉकडाउन के शुरू होने के साथ ही भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई और 12 जून तक यह संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। और यह तब हुआ जब भारत ने लॉकडाउन को 3 बार और बढ़ाया। एक्सपर्ट्स और बड़े अस्पतालों के टॉप डॉक्टरों की माने तो भारत में कोरोना वायरस जुलाई या फिर अगस्त में अपने पीक पर होगा और उसके बाद कोरोना केसेस में कमी आने लगेगी। इसका मतलब यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों में अभी 2 महीने तक वृद्धि होती रहेगी। कुछ अनुमानों के अनुसार कोरोना केसेस भारत में करोड़ों में भी जा सकते हैं, जो कि इस समय ज्यादा हैरान करने वाला नहीं लगता है। कोरोना मामलों की बढ़ोतरी के कारणों की बात करें तो सबसे पहले भारत का सोशल बैकग्राउंड चर्चा में आएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, जहां शैक्षिक और मेडिकल इंफ्रा अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। जनता में कम जागरूकता होने के कारण नई बीमारियों से बचने के अहम कदम लोगों को समझाने में सरकार को खासा मुश्किल होती है। पर्सनल हाइजीन भी बीमारी रोकने में काफी जरूरी होती है, पर जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से ग्रसित हो तब ये सब चीजें आसानी से नहीं करी जा सकती। ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वह देश का मेडिकल इंफ्रा मजबूत करे। खराब मेडिकल सुविधाओं के कारण अक्सर डॉक्टर उन मरीजों को भी नहीं बचा पाते जिन्हें आसानी से बचाया जा सकता है। कोरोना को न रोक पाने का एक और कारण यह भी हो सकता है कि सरकार ने वो चीजें शुरू में नहीं करी जो उसे करनी चाहिए थी। और साथ में यह भी एक संभावना है कि जिस तरह से लॉकडाउन को जमीन पर लागू किया गया उसी में भारी कमी थी। काफी मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि शुरुआती दिनों में हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग में लापरवाही बरती गई थी। कोरोना ग्रसित देशों से आने वालों को जो होम आइसोलेशन की सलाह दी गई थी उसका भी कई मामलों में उल्लंघन हुआ था। भले ही यह चूक मामूली लगे पर इसका परिणाम दूरव्यापी हुआ, जिसे हम आज देख रहे हैं। एक और कमी जो सरकारों की तरफ से हुई वो कम टेस्टिंग की है। हवाई अड्डों और अन्य स्क्रीनिंग जगहों पर सिर्फ उन्हीं लोगों को टेस्ट किया जा रहा था जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कोरोना मरीज एसिम्प्टोमेटिक है तो उसका टेस्ट नहीं होगा और वह आराम से देश में घूम सकेगा। लॉकडाउन शुरू होने के 15-20 दिन बाद भी कोरोना मामलों में कमी के कोई आसार नहीं दिखे थे। इसका सीधा मतलब यह था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। लॉकडाउन का खुद जनता ने ही काफी जगहों पर उल्लंघन किया और कई मामलों में सरकार ने कोई सख्ती नहीं बरती। यही नहीं, कुछ मामले तो ऐसे भी पाए गए जिनमें खुद प्रशासन या सरकार के लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मिले। इस पूरे दौर में सरकार भी उतनी एक्टिव नहीं दिखी जितनी होनी चाहिए। सरकार ने मीडिया में आके बातें करी और बहुत सी स्कीम अनाउंस करी, पर उनका जमीन पर असर बहुत कम हुआ। जब विदेश से अमीरों के बच्चों को लाने की बात हुई तो प्रशासन और सरकार दोनों हरकत में आ गए, और जब मजदूरों को उनके घर भेजने की बात हुई तब चीजें न जाने कितने हफ्तों तक टलती रही। और जिस तरह से मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करी गई वह भी सवालों के घेरे में है। दुनिया की तमाम सरकारों ने आगे आकर अपनी जनता की जेब में पैसे डाले, पर भारत में सरकारों ने जो चीजें करी वह बस कागजों में ही अच्छी रही। जमीनी स्तर पर जनता को फायदा कम ही मिला। पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की तरफ से ऐसी कमियां सामने आई जिन्हें आसानी से संभाला जा सकता था। कई जगहों पर प्रशासन मानो खुद ही कंफ्यूज हो रहा था कि लॉकडाउन का पालन करवाना कैसे है।
इस दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस उन लोगों पर भी कार्रवाई करती दिखी जो घर से बाहर मजबूरी में या फिर इलाज कराने जा रहे थे। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि पूरे देश में पुलिस और प्रशासन का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। ज़रूरत के समय यह सिस्टम खुद परेशानियों से जूझता है तो फिर जनता के काम कैसे आएगा। आखिर उस व्यक्ति का क्या कसूर था जिसने पुलिस के हाथों पिट कर सिर्फ इसलिए जान से हाथ धोया क्योंकि वह दूध लेने के लिए जा रहा था। अब भारत गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है। सरकार इस फिराक में है कि लॉकडाउन को किस तरह से खत्म किया जाए और अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके। यही कारण है कि दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्य बढ़ते कोरोना मामलों के बाद भी लॉकडाउन खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अन्य देश जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने में थोड़ी बहुत सफलता पाई है उन्होंने लॉकडाउन तब ही खोला जब कोरोना मामलों की बढ़ोतरी में कमी आई। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भारत को लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब सरकारें लॉकडाउन को ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं। पर यह सरकार की मजबूरी भी है। लॉकडाउन शुरू हुए कुछ दिनों में 3 महीने हो जाएंगे। इतने दिन तक शायद ही कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाए। यह भी सही है कि लॉकडाउन एक परमानेंट इलाज नहीं है। आखिर में हमें लॉकडाउन से बाहर आना ही पड़ेगा, पर लॉकडाउन मौका जरूर देता है सरकारों को मेडिकल इंफ्रा सुधारने का। अब सरकारों ने इस समय का कैसा उपयोग किया है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।